हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चिता। आज आपका मेरे पेनिशिया होलिस्टिक होम्योपैथी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहे। मैं आज आपको कफ के बारे में बताने वाली हूँ, कफ यानी कि खांसी। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ कफ के बारे में। खांसी कब आती है? खांसी तब आती है अपने जब अपने वायु मार्ग में पोलन ग्रेन्स हो या फिर धूल हो या फिर बलगम हो, ये इंटर किया और उसकी वजह से जो इरिटेशन हो रही है अपने वायु मार्ग में, उसको बाहर निकालने के लिए अपनी बॉडी में से जो रिफ्लेक्स एक्शन आती है उसको कफ कहा जाता है। अभी हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट सिम्टम है नाक में से पानी बहना। सेकंड सिम्टम है अपने गले के पीछे से पानी जैसा स्त्राव हो रहा है ऐसे फील होना। थर्ड सिम्टम है थ्रोट इरिटेशन, और ज़्यादा थ्रोट इरिटेशन होने के चलते थ्रोट में भी पेन होना शुरू होता है। फोर्थ सिम्टम है लॉस ऑफ वॉइस, यानी कि अपने जो वॉइस बॉक्स है वहाँ पे ज़्यादा खांसने की वजह से स्वेलिंग आती है, और स्वेलिंग आने की वजह से बात करने में तकलीफ होती है। फिफ्थ सिम्टम है जब भी हम खांसते हैं, खांसते वक्त छाती में से या फिर अपने गले में से कफ का आवाज आता है। और लास्ट सिम्टम है सांस लेने में तकलीफ होती है। अभी हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। इनमें दो टाइप्स है, एक्यूट कफ और क्रोनिक कफ। फर्स्ट है एक्यूट कफ। ये कफ ज़्यादातर 3 से 4 वीक तक चलता है और ये आमतौर पर अपने आप ही ठीक होता है। ये कफ क्यों और कैसे होता है? ये कफ उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनको एलर्जी की वजह से ज़्यादा कफ होता है, साथ में सर्दी और जुकाम की वजह से कफ कफ हो रहा है। थर्ड है निमोनिया। फोर्थ है अस्थमा पेशेंट। फिफ्थ है वूपी कफ वाले पेशेंट, इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। सेकंड है क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ ये ज़्यादातर 8 वीक से भी ज़्यादा चल सकता है क्योंकि ये क्रोनिक है। और क्रोनिक कफ में क्रोनिक कफ उनको होता है जो पेशेंट में अपने जो वायु मार्ग में अपना जो वायु मार्ग है उससे संबंधित डिसीज हो गए, जैसे कि सीओपीडी हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गया। सेकंड है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। थर्ड है निमोनिया। फोर्थ है अस्थमा। और फिफ्थ और लास्ट है हार्ट फेलियर डिसीज में होता है। अभी हम बात करते हैं क्रोनिक कफ के टाइप्स के बारे में। फर्स्ट टाइप है वेट कफ, यानी कि गीली खांसी। उनमें उनको हम बलगम वाले भी खांसी कह सकते हैं। इस खांसी में जब भी हम खांसते हैं तब बलगम बाहर आता है। आमतौर पर इस खांसी में अपने गले में, नाक में, वायु मार्ग में, फेफड़ों में बलगम जमा होना शुरू होता है, और ये आमतौर पर सर्दी और जुकाम की वजह से होता है। इनमें मोस्ट कॉमन सिम्टम है नाक में से पानी बहना, फटीग यानी कि थकावट लगना, चेस्ट में और नेक में पेन होना, और ये खांसी आमतौर पर अपने आप ही ठीक होती है। सेकंड है सूखी खांसी, यानी कि ड्राई कफ। इस खांसी में हम जब भी खांसे तब बलगम बाहर नहीं आता, इसके वजह से गले में सूजन और जलन जैसी समस्या हो सकती है। और सूखी खांसी में गीली खांसी से खांसने का समय अधिक होता है। और इस खांसी के जो मेन सिम्टम है वो है ज़्यादा खांसने की वजह से दो थ्रोट में पेन होना, थ्रोट में इरिटेशन होना और चेस्ट में पेन होना शुरू होता है, और उसी उसी की वजह से पेशेंट थकावट फील करता है और रेस्टलेस फील करता है। थर्ड है वूपिंग कफ, यानी कि काली खांसी या फिर कंपकंपी वाली भी हम खांसी कह सकते हैं। ये खांसी आमतौर पर छोटे बच्चों में बहुत ही घातक पाई जाती है क्योंकि ये खांसी बहुत ही बड़ी होती है और बाद में बहुत लंबी सांस आती है और इसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसके वजह से पेशेंट में ज़्यादा थकावट महसूस होती है, रेस्टलेस फील करता है। और ये खांसी आमतौर पर अपने वायु मार्ग में इन्फेक्शन होने के वजह से होती है। और इसके जो मेन सिम्टम्स है वो है पेशेंट बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस करता है और चेस्ट में और थ्रोट में पेन होना शुरू होता है। और अभी हम देखते हैं वूफिंग कफ का साउंड कैसे होता है। फोर्थ है बार्किंग कफ, यानी कि भौंकने वाली खांसी। इस खांसी में वायु मार्ग में वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से होती है। यह आमतौर पर 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे में होती है, और ये खांसी ज्यादातर तब आती है जब अपने वायु मार्ग में सूजन आने की वजह से सांस लेने में भी तकलीफ होती है, और साथ में अपने वॉइस बॉक्स जो उसमें ज्यादा खांसने की वजह से स्वेलिंग आती है उसकी वजह से बात करने में तकलीफ होती है, और उससे उससे जो आवाज आता है भौंकने जैसा, इसलिए इसको भौंकने वाली खांसी कहा जाती है। अभी हम इसका साउंड सुनते हैं। और लास्ट टाइप है वीजिंग कफ। इनमें ये तब होता है जब अपने वायु मार्ग में बहुत ही ज्यादा बलगम हो गया और सांस लेने में भी तकलीफ हो,
ये स्पेशली अस्थमा पेशेंट या फिर न्यूमोनिया पेशेंट भी ज्यादा होता है। और ये और नेक्स्ट है, और ये ज्यादातर चिल्ड्रन में भी होता है। ये जब भी चिल्ड्रन खांसते हैं तो बहुत ही ज्यादा खांसने की वजह से कभी कभी वो वॉमिट भी कर देते हैं। अभी हम इसका साउंड देखते हैं। अभी हम बात करते हैं कफ क्यों होता है। फर्स्ट है मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है स्मोकर्स, स्मोकर्स में ज्यादा पाए जाते हैं। सेकंड है जो पेशेंट वायु मार्ग के रिलेटेड सफर है, जैसे कि अस्थमा पेशेंट हो गए, निमोनिया पेशेंट हो गए, उनमें ज्यादा होते हैं। थर्ड है प्री स्कूल चिल्ड्रन यानी कि 6 साल से कम उम्र वाले बच्चे, उनमें भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है जो मेडिकेशंस ले रहे जैसे कि बीपी की टेबलेट्स हो गए, एसी इनहिबिटर्स हो गए, उनके वजह से भी होता है। और नेक्स्ट है जो पेट्स एनिमल यानी कि जो घर में पालतू प्राणी पालते हैं उनकी वजह से भी खांसी हो सकती है। अभी हम देखते हैं खांसी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है जिस पेशेंट को खांसी हुई है उस पेशेंट ने जितना पानी पी सकते उतना पानी पीना अच्छा है। सेकंड है अपने इन्फेक्टेड जो हैंड है वो अपने नाक से, आंख से और कान से दूर रखे तो बहुत ही अच्छा है। थर्ड है जो भी इरिटेंट से अपने को एलर्जी हो रही है जैसे कि परफ्यूम्स हो गए, क्लींजर्स हो गए, उससे अवॉइड करें। और लास्ट है डेली अपना हैंड हैंड वॉश से हैंड वॉश करते रहे। अभी हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट मेडिसिन है ड्रॉसेरा। ये मेडिसिन हम उस पेशेंट को दे सकते हैं जिस पेशेंट को वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी या फिर कंपकंपी वाली खांसी हुई है। ये खांसी अपने चेस्ट को ज्यादा स्पैज़म आने की वजह से बार बार खांसता है ये पेशेंट, और उसके वजह से चेस्ट में पेन होता है और साथ में गले में ज्यादा खराश होने की वजह से पेशेंट को घुटे जैसे लगते हैं, दम घुटे जैसे लगता है, और कभी कभी ये पेशेंट वोमिट भी कर देता है। और इस पेशेंट के जो कंप्लेंट्स है वो लेटे रहने से और रात में पसीना आने की वजह से ज्यादा होते हैं। सेकंड मेडिसिन है हिपरसल। ये मेडिसिन स्पेशली व्हीजिंग कफ जो है उनमें ज्यादा दी जाती है। इस मेडिसिन में जो बलगम है वो कम फॉर्म होता है, और साथ में इस पेशेंट की जो भी बॉडी पार्ट्स है वो अनकवर्ड है या फिर ठंडे है या फिर कोल्ड है, तो उसके वजह से जो कफ है वो ज्यादा हो जाता है। थर्ड मेडिसिन है स्पॉन्जियोटोस्टा। ये मेडिसिन हम स्पेशली वर्किंग कफ में दी जाती है। इस मेडिसिन में जो कफ है उनमें बलगम बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होता, और साथ में गले में खराश होना और टिकलिंग जैसे यानी कि चुभे जैसे लगना, इस पेशेंट पेशेंट के जो कंप्लेंट्स है वो लेटर रहने से ज्यादा होते हैं, और गुनगुना खाने से और पीने से कंप्लेंट्स अच्छे लगते हैं। और साथ में ये मेडिसिन हम तब दे सकते हैं जब एक्यूट मेडिसिन दिए कफ के लिए और वो अनसक्सेसफुल हुई हो, तो ये हम मेडिसिन दे सकते हैं उसके बाद में। फोर्थ मेडिसिन है एंटीमटर। ये मेडिसिन हम तब दे सकते हैं जब जब पेशेंट में बहुत ही ज्यादा बलगम हो गया हो और खांसते टाइम थोड़ा ही बलगम बाहर निकलता है, और इस पेशेंट में ज्यादा खांसी खांसी यानी कि बलगम होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। तो इसके जो कंप्लेंट्स है यानी कि खांसी ये खाना खाते टाइम ज्यादा हो जाती है। फिफ्थ मेडिसिन है ईपीकैप। ये मेडिसिन हम उस पेशेंट को दे सकते हैं जिस पेशेंट की खांसी में जब भी हम पेशेंट पेशेंट खांसता है तब चेस्ट में ज्यादा स्पैजम आने की वजह से पेशेंट बहुत ही बार बार खांसता है और बहुत जोर जोर से खांसता है, और साथ में बलगम जो वो भी उसका भी साउंड आना शुरू होता है। और इस मेडिसिन में खांसते टाइम बलगम जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। और इस मेडिसिन में जब भी पेशेंट खांसता है तब चेहरा जब फेस जो है वो बहुत ही रेड या फिर ब्लू हो जाता है, स्पेशली चिल्ड्रन में। ये मेडिसिन हम स्पेशली चिल्ड्रन में दे सकते हैं। अभी जो मैंने आपको मेडिसिन एक्सप्लेन किए है उसमें से आपके सिम्टम्स के हिसाब से जो भी मेडिसिन आएंगी उसको आपको रोजाना 2 बार सुबह और शाम 200 पोटेंसी में डायरेक्ट टंग पे दो दो बूंद लेना है। अभी मैं आपको मदर टिंचर के बारे में बताऊंगी। ये खांसी के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार है। वो है जस्टिका एडा थोड़ा। ये हम मदर टिंचर तब दे सकते जब पेशेंट में बहुत ही ज्यादा बलगम हो गया हो और वो बाहर नहीं निकल रहा हो, जब भी हम खांसे वो बाहर नहीं निकल रहा हो, और कोई भी इन्फेक्शन के लिए हम ये जस्टिक एडा थोड़ा दे सकते हैं। इसके डोजेस है बच्चों में 1/2 ग्लास वाटर में 5 बूंद डालना है सुबह दोपहर शाम, और अडल्ट में 1/2 ग्लास वाटर में 10 ड्रॉप्स डालना है सुबह दोपहर शाम देना। अगर आपको मेरे वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।